हे गाइस, मैं अंशु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल टेक के अंशु में। आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन की रिसेंटली में सेल आने वाली है उनके बारे में। तो जब भी ये सेल चलती है, एक साल में एक बार आती है, जो काफ़ी भारी भरकम डिस्काउंट आपको इनमें देखने को मिलता है। और हम काफ़ी चीज़ों के लिए आजकल ऑनलाइन सेल्स पे ही डिपेंड करते हैं, बिकॉज ऑफलाइन में हम शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं। रिसेंटली कोरोना की वजह से भी ऑनलाइन सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अपने घर पर डिलीवरी किसी भी आइटम की करा लेते हैं। तो अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों ने ही टीज़र अपने दे दिए हैं अपकमिंग सेल्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा उन सेल्स में आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा और कितना कैशबैक आपको मिल सकता है, कौन से कार से आपको शॉपिंग करनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में होंगी, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरफ से दो प्लस मेंबर्स या प्राइम मेंबर्स के लिए भी इसमें अवेलेबल कराए गए हैं, जिसके थ्रू अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको सेल्स में भी डिस्काउंट मिलेगा और जो अर्ली सेल है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्लिपकार्ट की तरफ से प्लस मेंबर है जो आपको अभी रिसेंटली में 3 महीने के लिए फ्री मिल रहा है, जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने ऐप में जाके। बस इसके टर्म एंड कंडीशन ये हैं कि आपने फ्लिपकार्ट से पहले एक बार शॉपिंग की हो, जिसके थ्रू आपको फ्लिपकार्ट प्लस पॉइंट्स मिले हो, तो आप इसको एक्टिवेट कर पाएंगे। वहीं पे बात करते हैं अगर अमेजोन की, तो अमेजोन को इसमें आप प्राइम मेंबरशिप है वो पेड है, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन या प्रीपेड पैसे अमाउंट पे करना होगा, तभी वो आपको मिल पाएंगे। तो इसके लिए आप 3 महीने का ले लें अगर इन सेल में आप अच्छा बेनिफिट लेना चाहते हैं। और साथ में अगर आप 18-24 की एज में, यूथ एज में आते हैं, तो आपको 50% का कैशबैक भी मिलेगा। तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे इसमें मैं आपको आगे डिटेल करता हूं। अगर फ्लिपकार्ट का ऑप्ट करते हैं तो आपको अर्ली एक्सेस सेल मिलेगा। अगर सेल जैसे कि कल से स्टार्ट होने वाली है, तो आपको 4 घंटे पहले से, मतलब इवनिंग के 8 बजे से आपको सेल एक्सेस हो जाएगी, और साथ में डिलीवरी भी इसकी फास्ट मिलेंगी, और वहीं पे आपको कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। अमेजोन की बात करें तो वहाँ पे आपको 1 डे और 2 डे डिलीवरी के साथ साथ में ही अमेजोन प्राइम म्यूजिक सीरीज़ का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा। साथ में ही आपको डिलीवरीज़ भी काफ़ी फास्ट डिलीवर की जाएंगी, और कस्टमर सपोर्ट है वो भी काफ़ी आपको बेहतर देखने के लिए मिलेगा। साथ में जो भी सेल्स आएंगी इनमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और कैशबैक भी देखने को मिलेगा, अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हो और अमेजोन के अगर प्राइम मेंबर हो तो। अगर आप डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट या परचेज शॉपिंग करना चाहते हैं तो इन सेल्स में आप कर सकते हैं, और साथ में फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर और अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप आप ले सकते हैं। जो भी सेल्स आती हैं उनमें एक बैंकिंग पार्टनर्स होते हैं दोनों ही। अगर फ्लिपकार्ट अमेजोन की बात करें तो अभी रिसेंटली में जो आपको भारी भरकम अपने कार्ड से ईएमआई से आपको डिस्काउंट देंगे, तो रिसेंटली में जो भी अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने अपने बैंकिंग पार्टनर्स को शेयर किया है वो, अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो SBI है उनके बैंकिंग पार्टनर है। उसमें अगर आप SBI का कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि 2,000 रुपये तक होगा। वहीं साथ में अगर आप अमेजोन पर जाते हैं तो वहाँ आप HDFC के कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ उस वहाँ पर भी आपको 10% तक डिस्काउंट देखने को मिलेगा 2,000 रुपये तक। अगर साथ में और बात करें तो अगर प्रीपेड आप पे करते हो तो वहाँ पर भी आपको 10% तक डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपको 20% के आसपास डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, अपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आएंगे। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से फ़ोन्स पे अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, बिकॉज अभी तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने रिवील नहीं किया है। बट इन फ़ोन्स में कुछ फ़ोन्स बताऊंगा जिन पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। आईफोन 11 की जो भी सीरीज है उस पर आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। साथ में ही कार्ड से आप HDFC या फिर SBI, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अगर पे करेंगे तो वहाँ पे प्रीपेड से भी आपको एक अच्छा खासा मोटा डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। बात करें सैमसंग की, तो सैमसंग की नोट 20 जो सीरीज़ है उसमें भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ में गैलेक्सी M21 एंड 31, इन दोनों फ़ोन्स पे भी काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लॉन्च किए हुए इनको कुछ टाइम हो गया है, तो अभी रिसेंटली में इन पे डिस्काउंट इस सेल में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर आगे बात करें तो रेडमी में आपको रेडमी K20 Pro और K20 दोनों में ही अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, बिल्ड भी काफ़ी अच्छी है, प्रीमियम है, तो डेफिनेटली ये फ़ोन भी ले सकते हैं आप, एक अच्छी गेमिंग भी कर पाएंगे। अगर वहीं पे बात करें रियलमी की, तो रियलमी की 6 सीरीज़ अभी रिसेंटली में 7 लॉन्च हो गई, तो रियलमी 6 पुरानी हो गई, तो उस पर भी आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। अगर वीवो में बात करें तो वीवो V19 पे भी आपको एक डिस्काउंट अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। अगर और फोन की बात करें तो उसमें आता है वन प्लस की अभी 80 सीरीज़ अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है, तो उसके साथ साथ में जो 80 के पहले जो सीरीज़ आई थी, 8 जो सीरीज़ आई थी, वो भी अभी डिस्काउंटेड सेल्स में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इन सेल्स में आप इन फ़ोन्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वेट करें इस चीज़ का। आपको मैं जल्दी ही नई वीडियो में आके ये भी बताऊंगा कि कितने डिस्काउंट इनमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बात करते हैं कि ये सेल्स कब से स्टार्ट होंगी। काफ़ी टाइम से ऐसा ही सुनने को मिल रहा है कि सेल्स आ रही हैं, बट डेट्स अभी तक रिवील नहीं की गई हैं। तो ये सेल्स कब से स्टार्ट होंगी इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली में फ्लिपकार्ट ने जो फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर के लिए एक्टिवेशन निकाला है, जो 15 तारीख को ख़त्म होगा, दैट मीन्स कि आपको 16 से वहाँ पर सेल देखने को मिल सकती है।
जो कि फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर के लिए हो सकती है, जो 8 बजे से 12 बजे के लिए प्लस मेंबर्स के लिए सेल होती है। उसके बाद में 17 से मॉर्निंग 12 बजे AM से आपको सभी के लिए सेल्स देखने की मिलेगी। वहीं बात करें अमेजोन की, तो अमेजोन भी सेम सेल्स ही रखेगा, सेम डेट्स को ही। तो अमेजोन की सेल 16 तारीख को ही प्राइम मेंबर्स के लिए देखने के लिए मिलेगी। वहीं पर ही अगर बात करें नॉर्मल कस्टमर्स और मेंबर्स के लिए, तो 17 से अमेजोन पर भी ये सेल देखने को मिलेगी, जिस पर आपको अच्छे खासे भारी भरकम डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। और मैं आपको इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देता हूँ, जिससे कि आप इजीली चेकआउट कर पाओगे आपके विदाउट अनस्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक होने से प्रोडक्ट से। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने बैंक्स के जो भी पार्टनर बैंक्स, अगर उनके कार्ड हैं तो उन कार्ड्स को ऐड कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप किसी फ्रेंड से या किसी से भी अरेंज कर सकते हैं, या फिर प्रीपेड पेमेंट करने के लिए आप कोई भी कार्ड उसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में ही अपने एड्रेस को पहले ही ऐड कर दें, बिकॉज उतने टाइम में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं आइटम, तो आप ये सारी चीज़ें पहले ही फिल कर लें। अगर आपने ऐड कर रखे हैं अपने एड्रेस, तो अपडेट कर दें जो भी आपकी प्रॉपर लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर नेक्स्ट बात करें तो चेकआउट के टाइम में, जैसे अगर कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप OTP आने में और ये आने में काफ़ी टाइम लगता है, जो कई बार फेल भी हो जाते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। इसके रिगार्डिंग आप ये कर सकते हैं कि आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों के ही गिफ्ट वाउचर खरीद सकते हैं। आप कोई सिलेक्टेड आइटम या फ़ोन या कोई भी एसेसरीज परचेज करना चाहते हैं, सपोज दैट उसका आइटम की प्राइस 999 रुपीज़ है, तो आप डेफिनेटली 999 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर ऐड कर सकते हैं अपने अकाउंट में, और आप इजीली चेकआउट कर पाएंगे विद इन अ सेकेंड्स, तो आप ये आपका ऑर्डर भी प्लेस हो पाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं। और साथ में अगर कोई भी आपके डाउट हैं तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करें, हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। चैनल के लिए सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।